प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अज आप दसवीं जमात के टॉपिक गोलाकार दर्पणा बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला आप गोलाकार दर्पणा परिभाषावां बारे जानकारी प्राप्त करते हाँ। नंबर एक, ध्रुव। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र नूं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस नूं पी नाल दर्शाया जाता है। मान लो ये साडा एक गोलाकार दर्पण है। इसकी एक सतह तुहानू पहले ही पता है भी पालिश की हुंदी है। जेकर इस दर्पण का बिल्कुल सेंटर लै लिया जाए, बिल्कुल केंद्र बिंदु नूं ध्रुव कहते हैं, तो इस नूं पी नाल दर्शाया जाता है। हुण आपां दूसरी परिभाषा करते हैं। नंबर दो, वक्रता केंद्र। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहाउंदा है। इस नूं सी नाल दर्शाया जाता है। मान लो ये साडा एक गोलाकार दर्पण है। इस परिभाषा विच परावर्तक सतह आया है। परावर्तक सतह का मतलब चमकदार सतह है, जिस नाल टकरा के प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। जेकर इस दर्पण नूं एक पूरा गोला मान लिए ता उन्दा जड़ा केंद्र आएगा उसनू असी वक्रता केंद्र कहांगे। नंबर तीन, वक्रता अर्धव्यास। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उसका अर्धव्यास दर्पण का वक्रता अर्धव्यास कहाउंदा है। इस नूं आर नाल दर्शाया जाता है। आपां पहलां दर्पण दे विच वक्रता केंद्र दर्शा चुके हाँ। दर्पण का ध्रुव भी, जेकर केंद्र तो ध्रुव तक एक लाइन लगाइए तां इस नूं वक्रता अर्धव्यास कहा जाएगा। नंबर चार, मुख धुरा। गोलाकार दर्पण के ध्रुव अते वक्रता केंद्र विचों लंघदी सीधी काल्पनिक रेखा नूं मुख धुरा कहिंदे हन। जिस तरह एक दर्पण का वक्रता केंद्र है ते ये ध्रुव है। जेकर इन्दे चों एक असी सीधी काल्पनिक रेखा लंघाइए तां इस नूं दर्पण का मुख धुरा क्या जाएगा। काल्पनिक रेखा इस करके क्या गया है, ये मन्या है असी रेखा लंघदी वैसे नहीं है भी दर्पण दे विच ये रेखा बनी होवे। नंबर पांच, मुख फोकस। मुख धुरे दे समानांतर आ रही प्रकाश दियां किरणां दर्पण नाल परावर्तन तो बाद जिस बिंदु ते मिलदियां प्रतीत हुंदियां हन उसनों मुख फोकस कहिंदे हन। सब तो पहला असी अवतल दर्पण बारे गल करते हाँ। अवतल दर्पण का यह मुख धुरा है। इन्दे समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण नाल परावर्तन तो बाद एक होर किरण परावर्तन तो बाद जिस बिंदु ते मिलेगी, इधरों आई परिवर्तन तो बाद इस बिंदु ते मिल रही है, इस नूं असी दर्पण का मुख फोकस कहने हाँ। इस नूं एफ नाल दर्शाया जाता है। इसे तरह जेकर उत्तल दर्पण की गल करिए, उत्तल दर्पण नाल परिवर्तन तो बाद प्रकाश की किरण खिंड जाएगी, मिलेगी नहीं। इन्दे च असी इन्हों अगे वधावांगे, सानू ऐ लगेगा भी प्रकाश दियां किरणां
एक बिंदु ते मिलदियां प्रतीत हो रही हैं तां इस बिंदु नू उत्तल दर्पण दा मुख फोकस कवांगे। नंबर 6 फोकस दूरी। गोलाकार दर्पण दे ध्रुव अते मुख फोकस विचकार दी दूरी फोकस दूरी कहौंदी है। इस नू एफ नाल दर्शाया जांदा है, छोटे एफ नाल दर्शाया जांदा है। तुसी पहला ही देखिया है भी दर्पण दा मुख फोकस केड़ा है, भी बहुत दूरों मुख धुरे दे समान अंतर आ रही किरणा परावर्तन तो बाद जिस बिंदु ते मिलदियां हैं उसनू मुख फोकस कहिंदे सी। एफ मुख फोकस है ते पी ध्रुव है ते एफ और पी विचकारली दूरी नू की कहांगे फोकस दूरी।